Jahin students, how are you? Students, this is your English class. Today we will read a very interesting story The Princess and the Pea. So, students, let's open your English literature book at page number 122. Okay, students, you have to open your book at page number 122. Students, and write down the date. What is the date today? Today is 18th January 2021, and the day is Monday. ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस इज चैप्टर नंबर टेन एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द प्रिंसेस एंड द पी आई होप आपने ये स्टोरी पहले रीड की होगी क्योंकि आप स्टोरी बुक्स रीड करते हैं आजकल नेट पे टीवी पे बहुत सारी स्टोरीज दिखाई भी जाती हैं और आपने ये देखी भी होगी बट टूडे वी विल रीड दिस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सो बाय रीडिंग दिस स्टोरी यू विल अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ किंग क्वीन प्रिंस एंड प्रिंसेस इन द पास्ट ठीक है पहले के टाइम में किंग क्वीन प्रिंस और प्रिंसेस हुआ करते थे आप इस स्टोरी के थ्रू ये भी जान पाएंगे कि किंग कौन है क्वीन कौन है प्रिंस Prince और प्रिंसेस में क्या डिफरेंस होता है ठीक है बेटा और नाउ इस चैप्टर को रीड करने के बाद आप सिनोनिम्स क्या होते हैं वो भी आप जान पाएंगे बच्चे एंड आफ्टर दैट रीडिंग दिस स्टोरी वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैम सो लेट स्टार्ट फर्स्ट इज योअर चक बॉक्स फाइंड सिक्स वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड प्रिंसेस राइट ईच अंडर इट्स पिक्चर ओके वन वर्ड इज गिवन हियर प्रिंसेस प्रिंसेस एक वर्ड दिया हुआ है आपको यहां पे बेटा आपको क्या करना है इसमें जितने भी लेटर्स हैं, जैसे पी आर आई एन सी ई डबल एस है ना आपको क्या करना है यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं इन पिक्चर्स के नेम की स्पेलिंग जो है आपको इस वर्ड में से फाइंड आउट करनी है फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट आपको करके दिखाती हूं जैसे फर्स्ट है वूज पिक्चर इज दिस दिस इज द पिक्चर ऑफ पेन तो पेन की स्पेलिंग क्या होती है पी ई एन यू कैन फाइंड दिस वर्ड फ्रॉम सो राइट डाउन पेन बेटा ओके और आपको क्या करना है नेक्स्ट फाइव वर्ड्स आपको अपने आप से फाइंड आउट करने हैं ये आपका होमवर्क भी है दिस इज योर होमवर्क सो यू हैव टू फाइंड इट योर सेल्फ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट दिस पिक्चर ऑफ इंडिया ब्रेवेस्ट वॉरियर क्वीन आपको इंडिया की सबसे ब्रेवेस्ट वॉरियर क्वीन जिनकी ये पिक्चर है उनका नेम आपको यहां पे लिखना है आपको पता है कौन है ये कैन यू गेस इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है यस शी इज रानी लक्ष्मी बाई ठीक है ये इंडिया की ब्रेवेस्ट वॉरियर क्वीन में से जानी जाती हैं झांसी की रानी भी कहते हैं इन्हें हम ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 123 आपने लास्ट पेज पे देखा था झांसी की रानी ये वहां की क्वीन थी झांसी की झांसी की इनपे बहुत सारी स्टोरीज सीरियल्स एंड Movies आपने देखी भी होंगी तो इस स्टोरी को जब हम रीड करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है जो क्वीन अभी तो हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि अभी तो सब ये सिस्टम खत्म हो चुका है बट जब पास टाइम में जब हम पीछे देखते हैं तो उस टाइम पे किंग क्वीन प्रिंस प्रिंसेस सब हुआ करते थे ठीक है बट अभी जो हम स्टोरी रीड कर रहे हैं दिस इज जस्ट अ स्टोरी ये एक स्टोरी है आप इस स्टोरी को रीड करेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई होप यू ऑल एंजॉय सो लेट स्टार्ट दिस फेमस फेरी टेल टेल्स अस हाउ अ प्रिंस फाउंड अ रियल प्रिंसेस टू बिकम हिज क्वीन ओके आपको फेमस Fairy, Princess, Queen, इनको अंडरलाइन करना है इसमें यह बताया है कि जब आप इस स्टोरी को रीड करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो एक प्रिंस था बहुत टाइम पहले जो एक प्रिंस था वो अपने लिए एक रियल प्रिंसेस को कैसे फाइंड आउट करता है अपनी क्वीन बनने के जिसको वो अपनी क्वीन बनाता है ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट लॉन्ग लॉन्ग एगो देअ वॉज अ प्रिंस बहुत समय पहले की बात है एक प्रिंस था ही वॉन्टेड टू मैरी अ प्रिंसेस बट शी हैड टू बी अ रियल प्रिंसेस ठीक है ही ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड टू फाइंड वन देयर वर मैनी प्रिंसेसेस बट He could not make out if they were real or not. There was always something which was not quite right about them. So, at last, he had to come back home again. He was sad. Okay? मैंने इसको रीड किया है अब आप मेरे साथ एक बार रीड करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज अ प्रिंस बहुत समय पहले की बात है एक प्रिंस हुआ करता था ही वॉन्टेड टू मैरी अ प्रिंसेस बट शी हैड टू बी अ रियल प्रिंसेस जो प्रिंस था एक प्रिंसेस से शादी करना चाहता था बट जो प्रिंसेस जो होनी चाहिए थी ना वो एक रियल प्रिंसेस होनी चाहिए थी ही ट्रेवल्ड अराउंड वर्ल्ड टू फाइंड वन वो पूरे संसार में वर्ल्ड मींस संसार दुनिया में घूम लिया बट उसे कोई भी रियल प्रिंसेस नहीं मिली वो एक प्रिंसेस को ढूंढने के लिए पूरा पूरी दुनिया को घूम गया वर मेनी प्रिंसेस बट ही कुड नॉट मेक आउट इफ वर रियल और नॉट उसने बहुत सारी प्रिंसेसेस को देखा बट जो भी प्रिंसेस को वो देखता था वो अपने आप को रियल प्रूफ ही नहीं कर पाई देयर वॉज ऑलवेज समथिंग विच वॉज नॉट क्वाइट राइट अबाउट दैम वहां जब भी वो किसी प्रिंसेस को फाइंड आउट करता था उससे शादी करने के लिए तो क्या होता था कि उनके वो बताती तो अपने आप को रियल थी बट ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता था जो उनके बारे में सही नहीं होता था सो एट लास्ट ही हैड टू कम बैक होम अगेन तो आखिर में वो अपने घर वापस आ गया ही वॉज सैड वो बहुत दुखी था ठीक है नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ वन इवनिंग इट रेन्ड वेरी हैवीली हैवीली कौन डर लाइन करेंगे आप देर वॉज थंडर थंडर एंड लाइटनिंग एंड द रेन पोर्ड डाउन हैवीली इट वॉज अ स्केरी नाइट इन द मिडल ऑफ द नाइट समबडी नॉक्ड एट द पैलेस गेट्स एंड द ओल किंग हिमसेल वेंट टू ओपन इट ठीक है वन इवनिंग इट रेन वेरी हैवीली एक इवनिंग में शाम के समय में बहुत तेज बारिश हो रही थी देर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग एंड द रेन पोअर डाउन हैविली मतलब बहुत बिजली कड़क रही थी और जो बारिश थी बहुत तेज नीचे गिर रही थी इट वॉज अ स्केरी नाइट मतलब बहुत डरावनी रात थी स्केरी मतलब डरावनी इन द मिडल ऑफ द नाइट जब आधी रात हुई सम बड़ी नॉक एट दैलेस गेट कोई पैलेस के गेट पे आकर उसे नॉक करता है एंड द ओल्ड किंग हिमसेल वेंट टू ओपन इट जो ओल्ड किंग है वो जाकर उसे ओपन करता है ठीक है अब मैंने आज आपको टू पैराग्राफ्स रीड कराए हैं यू हैव टू प्रैक्टिस टू रीड दीज टू पैराग्राफ्स ओके एंड जो मैंने आपको वर्ड्स अंडरलाइन कराए हैं आप उसको भी रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे बेटा ठीक है आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव आंसर दोज क्वेश्चन टू योर मदर और योर यू कैन गिव आंसर टू योर फादर ऑल्सो ओके बेटा नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हू वॉज सेड सेड कौन था yes give the answer to your mother okay now uh, students you have to read the story and kya aapko pata hai what do you think a king did in old times पुराने जमाने में जो किंग हुआ करते थे वो क्या करते थे what does a king wear? A crown or a hat? जो किंग थे पहले वो क्राउन पहनते थे या हेड पहनते थे सर्च दीज क्वेश्चन ओके बेटा आप ये क्वेश्चन सर्च करिएगा कि किंग्स किंग जो थे वो क्या पहनते थे क्या वियर करते थे और ओल्ड टाइम में किंग क्या करते थे यू हैव टू नो अबाउट दिस ओके इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द नेक्स्ट Uh, जो आपकी आगे की स्टोरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे ओके सो ओके बाय बाय वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास